पजामे बड़े खुले खुले हैं, थोड़ा सा ऊपर करो, सारा ऊपर गया। चलो हाँ मेरा बेटा देख ना, ये देखें सही लग रही, दिखा मिल गया, दिखा रही हूँ। ठीक है जी, मैं इस तरह से जा रही थी कि मैं रिलैक्स होके घूमू फिरू खाऊ पीऊ ऐश करूं, लेकिन मेरे सारे ख्वाब उस बुड्ढी ने कर दिए तबाह। मेरे ख्वाबों को उसने लगाई अपनी बुरी हवा। ठीक है, तो वो भी मैंने ब्लॉग देखती हैं, लेकिन खैर ऐसा नहीं करना फिर किसी भी ऐसी वैसी बात का। ठीक है जी, तो मैं कैमरा करीब करके दिखा देती हूँ, ये देखिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो मैं सबसे पहले काम पे जाती हूँ, काम से आती हूँ तो फिर अपने घर के काम करती हूँ, बच्चों को अकेडमी भेजना और बच्चों को नहलाना धुलाना, ये बड़े सारे काम होते हैं। तो घर दिखाती हूँ, मैंने पैन क्लीन कर लिया है, उसका मैंने सारा पानी निकाल के साफ़ सूफ करके रख दिया, सिर्फ शाम को मैं चलाया करूँगी, मुझे अपने कूलर से बड़ा प्यार है। अच्छा जी, बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, चूल्हा भी मैंने साफ कर लिया है। ठीक है जी, घर भी सारा मैंने धो लिया है, फ्रिज भी मैंने साफ़ कर ली है, सालन भी मैंने बना लिया है, सालन दिखाती हूँ। ये देखें जी, आज मैंने बनाया था आलू और गोश्त, और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। ठीक है जी, और रूम में चलते हैं, रूम में चल के आपको दिखाते हैं। ये आ गया हमारा यान, भूख लगी, रोटी पक्की खाओ। ये जी मिलू, हाय कर मिलू, तू पागल है, है? देख के इग्नोर कर रही है। ये देखो, तो यहाँ पे जी चलते हैं अंदर। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये जोड़ा निकाला है, ये वाले जोड़े में मैंने मेकअप भी निकाल लिया है तैयार होके। आजी ने तो मुझे जकूटा बना दिया था, इतना मसूरा मेकअप, मैंने जो रुखसती वाले दिन कुछ भी इंजॉय नहीं किया। ऐसे केकी बेस नहीं, इसको ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, उधर रखो ना बाहर, केकी बेस मेरी बना दी, तो मुझे इतना दुख हुआ, इतना दुख, जिधर जिधर से मैं ऐसे ऐसे करूं वो सारी तड़ेड़ें पड़ गई, बेस ऐसे हो गई जैसे मार्क्स लगाया हुआ, कोई सुर नहीं, कोई स्वाद नहीं, कोई मज़ा नहीं, कोई कोई कुछ नहीं सीगा, तो कोई अच्छा मेकअप नहीं था, मुझे तो भाई पसंद नहीं आया। जो दिल में रखते ना वो काफर बंदा बन जाता है, जो मुँह पर बात करते हैं ना वो मुखलस भी होता है और दिल का साफ भी होता है। तो मेरी सबसे बड़ी बात यही है कि मैं बात मुंह पे करती हूँ। ठीक है, तो बाजी आपने मेरा जो मेकअप है ना, ऐसे मुझे जकूटा बना दिया था, बिल्कुल भी अच्छा मेकअप नहीं किया था। भला बंदा पूछे कि जब आप स्प्रे कर, मैं तो नोवा की यूज़ करती हूँ या दूसरी लाल वाली का मुझे नाम नहीं है, सबालोन की यूज़ करती हूँ, वो पता नहीं कौन सी थी, नहीं मैं नहीं खानी, पता नहीं कौन सी वो स्प्रे थी जिस लगने से मेरी आंखें ऐसे बस इतनी सी खुलती थी, और मेरी एक आंख किधर को जा रही थी, किधर को जा रही थी। तो अभी मैं आपको उसमें उसी सूट में तैयार होकर दिखाती हूँ कि मैं कैसा लुक चाहती थी और उन्होंने कैसा लुक दिया। मुझे पसंद नहीं आया था, आपको भी पसंद नहीं आया होगा, बिल्कुल खुसरा लुक दे दी थी, इतने इतने बड़े होंठ, तो इतने इतने बसुरा बसुरा सा मुझे बना दिया था, अच्छी तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगी। ठीक है, अभी मैं खुद रेडी होके आपको दिखाती हूँ, अपने व्यूवर्स को, और आपको एक गुड न्यूज़ सुनाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जी जब भी मैं मेकअप करती हूँ ना, मैंने मेहंदी पे भी खुद ही किया था, जब भी मैं मेकअप करती हूँ ये छोटे से शीशे पे करती हूँ, तो वहाँ पे बड़े बड़े शीशे थे तो उनको नज़र नहीं आया, वो कर से कैसे मिलू दिखे थे, वो जो उनके मम्मा की ये वाली आइज थी ना, वो मम्मा ने वाइट वाइट करवा ली थी, ऐसा लगा जैसे मम्मा रो रही है, इतना डार्क हो गया था, रोने वाले सारे कर्स दिखे, सारे कर्स रोने वाले, और वो सारे मम्मा को शादी में कहते हैं तुम ऐसे हो ऐसे हो, रो रही है बाप, जरा सा भी तुम सही रेडी नहीं हुए, अभी देखना मैं खुद रेडी होती तो फिर बाजी भी व्लॉग देखती है, इसको मैंने अच्छे से पूरे फेस पे स्किन के अंदर तक कर लिया है। सही लग रहा है मेरे वीडियो में? हाँ सही है।
यहाँ पे जी इस बेस को तो आप सब जानते ही ना, जो मम्मा ने पहली वीडियो में आपको बना के दिखाई थी, है ना? मैंने तो पता नहीं क्या 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 मेरे फेस पे लगा दिया था। मम्मा तो भाई खुद ही तैयार हो जाती है, मम्मा ऐसे पार्लर चली गई थी। बस मैंने कहा टाइम नहीं है, चलो टाइम बच जाएगा। तो अच्छा जी, मेरी बहुत प्यारी सी सिस्टर है, उनके चैनल का नाम है बेस्ट बेस्ट गर्ल्स ब्लॉग्स, है ना? हाँ यही ना, बेस्ट गर्ल्स ब्लॉग। हाँ जी, तो आपने इनको भी बहुत प्यार देना है और बताना है अमन की तरफ से आए, ठीक है? जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जितने भी मुझे प्यार देते हैं, तो आपने उनको जाके बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे जी मैंने वो वाटर वाली लगा ली है, अभी मैं लगा रही हूँ फेस पाउडर, ठीक है? किसी भी कंपनी का ले ले, लेकिन मैं तो ग्रैमल का यूज़ करती हूँ, ग्रैमल, ठीक है? तो जी व्यूअर्स, जो अच्छी बेस होती ना, जो अच्छी बेस होती, वहां पे तो मैं ऐसे बालू बन के खड़ी रही, ना फेस को हाथ लगाए, ना कुछ ना कुछ। ये देखें अभी गर्मी है, ठीक है, कहीं बेस खिसक जाए। ये होती है पहचान अच्छे काम की। आपसे हिल रही है ये देखें, हिल रही है अभी मैं रेडी होती हूँ। सबसे पहले मैं ये क्या मम्मा, अपनी आईब्रोज आईब्रो बना रही, मेरे को लगा वो लगा रही कलर, कलर लगा रही हो ना, ये वाला जो ब्राउन वाला। हाँ अच्छी बनाना, वैसे आके ब्रेक है। उन्होंने तो सारी आईब्रो मेरी का बेड़ा गर्क कर दिया, इतने इतने बड़े खुसरो जैसे बना दिए थे कोई हाल नहीं बाजी का। तो आपने उनसे बात क्यों की थी मेरे को तैयार करना, तो ये पैसे? बस मैंने तो यही कहा कि चलो बाजी पैसे भी भरे हैं इतने ज्यादा, मम्मा ने अपने पैसे सारे पार्लर पे लगा दिए, जाया हो गए मम्मा के पैसे, है ना? हाँ आईलैश में लेके आई, ये लेके आई, वो लेके आई, हैं सारा बेड़ा गर्क कर दिया। मम्मा नोज पर लगा रही है, यहाँ पे जी मैं नोज कंटूरिंग कर रही हूँ, कर्स दे रही हूँ फेस को, जिसे ना भी मुस्कुराए तो मुस्कुराते हुए नजर आए, ठीक है जी? ये मम्मा लगा के फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे साथ ही मैं देंगी इसको, मम्मा वो लगा रही है रेड रेड स्माइल वाला ब्लश ऑन ब्रश ऑन। ये खत्म भी होगी इतनी जल्दी? इसको कहते हैं मेकअप। ये देखे मैंने सारी ब्लेंडिंग की है और यही वाला मेकअप साथ अच्छा लगना था। अभी मैं लाइनर लगा रही हूँ, लगा के फिर मिलते हैं आपसे। यहाँ पर मम्मा बाल आयरन कर रही है, स्ट्रेट करने है मम्मा। मेरा व्लॉग थोड़ा लेट आता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए ना यही सोचती हूँ, गर्मी है ना, सारा दिन भी गर्मी में काम करना, शाम हो जाती, शाम को भी घर से बाहर निकल जाए हमारी तो फिर कोई जिंदगी ना हुई, तो इसलिए घर के व्लॉग बना रही हूँ। बाहर बहुत गर्मी है,
सारा दिन गर्मी में जल जाती है। ठीक है, स्टार्ट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो जी व्यूअर, मैं रेडी हो चुकी हूँ, आप देख सकते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। और ये हमारे पंजाब की पहचान है और लेडीज पहनती है। ठीक है जी, हमारे गांव की पहचान है और कुछ कुछ नहीं भी पहनती। और मेरा तो ये शौक है, मैं शौक से पहनती हूँ ये देखें। और जो उन्होंने बाल बनाए थे, 10 दिन लग गए थे खोलने में, इतनी तकलीफ मुझे दी उन बालों ने। अल्लाह, उन्होंने जो होता है ना स्टे फिक्सर, वो लगा लगा के आयर वो टोन की बालों को, तो बाल जो है वो वहीं वहीं पे जब ऐसे लगते हैं जैसे बत्तिए। तो जो दूसरे दिन की वीडियो थी बरात वाली, उसमें वो बहुत ही कम नज़र आएंगे, आपने भी देखा होगा। तो अभी देख ले, मैं ये वाला लुक चाहती थी, तो इससे बेहतर तो मैं खुद ही करती आ रही होती, तो वो मेरे लिए 1.25 लाख था। तो कैसी लग रही हूँ, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करने हैं और बताना है कि आपकी हेमन ऑफिशियल और कौन से नए ब्लॉग्स लेके आए। आप सबके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी, और मैं बहुत जल्द कल तक शेयर कर दूँगी। तो मेरे चैनल पे जो लोग न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भाग गए हैं वो वापस आ जाएं। ठीक है जी, तो कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताना, और इस चैनल पे ज़रूर जाना। क्या था, रोकना ज़रा, बेल ना है, बेल ना, बेस्ट नहीं ना, आपने जाना है बेस्ट गर्ल ब्लॉग पे, उनको बताना है कि हम हेमन की तरफ से आए हैं, और डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मैंने दे दिया है, जाके उन्हें बहुत सारा प्यार दें और दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा सा ख्याल रखना। ठीक है जी, तो आपने मुझे बताना है कि मैं कैसी रेडी हुई हूँ कैसी नहीं, उसी के साथ तो नहीं है क्या, उसी के साथ, उसी ब्लॉग के साथ करके बनाया ना। अच्छा, तो आपने मुझे कमेंट्स करने हैं और बताना है मेरा ड्रेस कैसा है, और मैं आपको न्यू कुर्ता दिखाती हूँ जो मैंने इसके साथ पहनने के लिए लिया था, लेकिन मैंने पहना। तो जब जाऊंगी मैं गुजरांवाले, तो फिर ये मैं पहनूंगी अपने लॉन के सूटों के साथ। अभी तो खैर नहीं पहना गया, मैंने बड़ी चाहतों से लिया था, बड़ी मोहब्बत से लिया था। ब्लैक कलर सूट है ना, उसके साथ मम्मा पहनेगी। हाँ, तो वो कह रहे थे ना 1200 की सेल, 1200 की सेल, 1200 की, तो फिर मैंने 1200 का खसा ले लिया था। तभी मैं हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगी। वादा किया जो भी मैंने, वादा किया जो भी, हाँ मैं वादा निभाऊंगी, हाँ मैं वादा निभाऊंगी, हाँ मैं वादा निभाऊंगी।